हाँ सर, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड, कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो फॉर्म फिल करने से लेकर फाइनल एडमिशन तक क्या क्या स्टेजेस आपको देखनी पड़ती है। आज आपको इसी वीडियो के अंदर ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और लिटरली आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज आपको मिलने वाली है। और जब आप वीडियो देख करके ख़त्म करोगे आपको लगेगा कि भाई क्या बढ़िया ज्ञान दिया है। लिटरली आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा सही होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्सेज करते हैं उनके अंदर आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, डिफरेंट एडमिशन प्रोसीजर है। अगर आप बीबीए, बीएमएस, बीबी जैसे कोर्सेज करते हो उनके लिए आपका डीयूजेट का एंट्रेंस एग्जाम होता है, डिफरेंट एडमिशन प्रोसीजर है। अगर आप स्पोर्ट्स से अप्लाई कर रहे हो, ईसीए से अप्लाई कर रहे हो, डिफरेंट एडमिशन प्रोसीजर है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई कर रहे हो, डिफरेंट एडमिशन प्रोसीजर है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है उसको मैं सिंप्लीफाइड करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कल ही अपना नोटिस रिलीज किया था कि उनके जो फॉर्म्स है अंडर ग्रेजुएशन के लिए वो रिलीज हो रहे हैं 2 अगस्त से। लास्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो रहेगी वो होगी 31 अगस्त। अगर मैं बात करूं पोस्ट ग्रेजुएशन की, एमफिल की, पीएचडी की, तो उनके जो फॉर्म्स रिलीज हो रहे हैं वो हो रहे हैं 26 जुलाई से। तो आपको आई होप ये सब पता होगा। अब हम बात करते हैं, अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्सेज करते हो तो इनका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, आपका फाइनल एडमिशन किस तरह से होगा। आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना, आप एक कॉपी और पेन भी ले सकते हो नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा इनडेप्थ चीजें आपको पता चलने वाली है। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह करते हो, सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना है जो 2 अगस्त को आ रहा है। फर्स्ट स्टेज आपकी हो गई कि आपको फॉर्म फिल करना है। उसके अंदर अगर आप मान लीजिए कोई रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो तो सर्टिफिकेट भी आपको लगाने पड़ेंगे, 10th की मार्कशीट लगानी पड़ेगी, 12th की मार्कशीट जो आएगी, मार्क्स आएंगे आपके वो लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको पूरा एक अपना फॉर्म फिल कर देना है। फॉर्म फिल करने का मतलब है कि आपने पेमेंट कर दी और आपकी आईडी एंड पासवर्ड जनरेट हो गया डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के लिए, आपका एक अकाउंट क्रिएट हो गया। पहला स्टेप आपका कंप्लीट, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब सेकंड स्टेप जो है उससे पहले एक छोटा सा स्टेप और आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने फॉर्म के अंदर मिस्टेक कर देते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक एडिट डेट भी देती है जिस दिन को आप एडिट कर सकते हो अपने फॉर्म को, तो आप उस दिन एडिट कर सकते हो अगर कोई गलती हो जाती है तो। अब बारी आती है सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप है आपको वेट करना है कट ऑफ्स के लिए। फिर सभी जो कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन सभी की कट ऑफ्स आ जाती है। आपको du.ac.in वेबसाइट पर ही उनकी एक पीडीएफ फाइल मिल जाती है सभी कॉलेजेस की। आपको देखना है कि आपकी का क्या परसेंटेज आई है और आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग किस कॉलेज की कट ऑफ से आपकी परसेंटेज मैच कर रही है, तो आप उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। अगर आप मान लीजिए आपकी जो कट ऑफ है जितनी भी कट ऑफ उसके अंदर आई है आपकी 5 या 10 कॉलेज के अंदर एडमिशन हो रहा है, तो आप ये देखिए कि आपके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा होगा। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है बेस्ट कॉलेज कौन से नहीं है, मैंने सारी वीडियोज अपलोड की हुई है, तो आप वो देख लीजिए कि आपके अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज कौन सा होगा। फिर आपको क्या करना है, आपने देख ली कि मेरी कट ऑफ मैच कर रही है, आपको लॉग इन करना है du.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट पर। जो आपने लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट किया था, आपने फॉर्म फिल किया था, वहां पर आपको कॉलेज का नाम दिख जाएगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सारे के सारे चले जाएंगे उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर जहां पे आप अप्लाई करना चाहते हो। फिर वो लोग वेरीफाई करते हैं, आपको टाइम देते हैं अराउंड 6 से 7 आवर्स का। उसके बाद आपके पोर्टल के ऊपर ही वहां पर फीस पेमेंट का लिंक आ जाता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो। फिर वहां पे आपको क्लिक करके ऑनलाइन फीस सबमिट कर देनी है। जैसे आप फीस सबमिट कर दोगे आपका उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर फाइनल एडमिशन हो जाएगा। आई होप आप समझ गए हैं कि किस तरह से एडमिशन होगा। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले फॉर्म फिल करना है, एडिट है तो एडिट डेट आएगी उस पर आप फॉर्म एडिट कर सकते हो। सेकंड स्टेप कट ऑफ आएंगी, कट ऑफ देखनी है। थर्ड स्टेप अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। फिर वो लोग वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद वो लोग पे नाउ का ऑप्शन आपके पोर्टल पर दे देंगे। फोर्थ एंड फाइनल स्टेप पे नाउ पे क्लिक करके आपको अपनी पेमेंट कर देनी है और आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर। चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके साथ साथ देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कट ऑफ आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो ओवरऑल कट ऑफ नहीं होती, वो बेस्ट ऑफ 4 के अकॉर्डिंग या फिर बेस्ट ऑफ 3 की परसेंटेज के अकॉर्डिंग आती है। अगर मान लीजिए आप बीएससी का कोई भी कोर्स कर रहे हो एक्सेप्ट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, इन दोनों के अलावा बीएससी का जितने भी कोर्सेज आप कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ बेस्ट ऑफ 3 की परसेंटेज ही कैलकुलेट होती है। किसी में पीसीएम लगता है, किसी में पीसीबी लगता है, बाकी जो कोर्सेज हैं बीकॉम हो गया, बीए हो गया या फिर मैथमेटिक्स ऑनर्स है, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स है, उनमें बेस्ट ऑफ 4 परसेंटेज आपकी देखी जाती है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई हैं किस तरह से आपका एडमिशन होगा। और मुझे मतलब लिटरली काफ़ी ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। काफ़ी लोग टाइम स्टैम्प लगा करके कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि 6 मिनट्स 15 सेकंड पे देखो पसीने आ रहे हैं। भाई मुझे तो पता ही नहीं है, मतलब मुझे तो काफ़ी कूल लग रहा है, राइट? तो ऐसा नहीं है। तो
चलिए अब बात करते हैं, अगर आप डी यू जेट में एडमिशन ले रहे हो, बीबीए बीएमएस बीबीए अगर आप करना चाहते हो, डीजेट का एंट्रेंस एग्जाम अगर आप देना चाहते हो, तो उसका एडमिशन किस तरह से होता है। सबसे पहले अगेन आपको वही फॉर्म फिल करना है जो 2 अगस्त को आएगा, आपको उसके अंदर फिल कर देना है एंट्रेंस बेस्ड। और जैसे आप एंट्रेंस बेस्ड पे क्लिक करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इन्हीं के अंदर एडमिशन ले सकते हो, उसका मतलब है कि आप एंट्रेंस से तो एडमिशन ले ही सकते हो, प्लस आप जो मेरिट बेस्ड के कोर्सेज हैं बीए बीएससी बीकॉम उनके अंदर भी एडमिशन ले सकते हो अगर आपको उसके अंदर लेना है। तो जैसे आपने एंट्रेंस पे क्लिक किया, उसके बाद आपको उसकी फीस सबमिट करनी होती है। उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, अराउंड 750, मेरिट बेस की शायद 250 के अराउंड फीस होती है। तो उसके अंदर आपको सबसे पहले तो फॉर्म फिल करना है, जैसे कि आपने मेरिट बेस का फॉर्म फिल किया था वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल कर देना है एंट्रेंस बेसिस का। उसके बाद आपको वेट करना है आपके जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसका खत्म होने का। जैसे वो खत्म होगा आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, आपको टेस्ट सेंटर मिलेगा, वहां पर जाकर आपको अपना टेस्ट देना है। आप जैसे ही टेस्ट दोगे उसके बाद आपके स्कोर्स आएंगे एंड उसके बाद आपके रैंक्स आ जाएंगे। उन रैंक्स के बेसिस पर जितने भी कॉलेजेस बीबीए बीएमएस और बीबीई करवाते हैं वो अपनी कट ऑफ रिलीज कर देंगे कि इतने रैंक्स के स्टूडेंट को, इतने मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के आए हैं उनको हम लोग एडमिशन देंगे। आपको देखना है कि आपके अकॉर्डिंग किसकी कट ऑफ मैच हो रही है, देन उस कॉलेज के अंदर पर्टिकुलरली आपको फिर से अप्लाई कर देना है और उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके अंदर सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम है, उसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम नहीं था, बाकी समहाउ सिमिलर है। हाँ, डी यू जेट के अंदर आप एक चीज और याद रखना, डी यू जेट के अंदर पूरी तरह से एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन नहीं होता है। यहां पर 65% की वेटेज आपके एंट्रेंस एग्जाम को मिलती है, 35% की वेटेज आपके जो 12th क्लास की परसेंटेज है उसको मिलती है, और दोनों को मिला करके आपका एडमिशन होता है। तो इस तरह से आपका डी यू जेट के अंदर बीबीए बीएमएस और बीबी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हम हंसराज कॉलेज से, एसआरसीसी से, क्या हम इनसे बीबीए कर सकते हैं? भाई ऐसा नहीं होता। अगर आप डी यू जेट दे रहे हो तो पर्टिकुलर कुछ कॉलेजेस हैं जो बीबीए बीएमएस बीबीई करवाते हैं, वहीं से आप कर सकते हो। अगर आप बीबीए करना चाहते हो, सिर्फ 2 कॉलेजेस है डेली यूनिवर्सिटी के अंदर, सबसे पहले शहीद सुखदेव कॉलेज है, दूसरा शहीद राजगुरु कॉलेज है जो गर्ल्स कॉलेज है, तो सिर्फ इन 2 कॉलेज से आप कर सकते हो। बीएमएस वगैरह आप कर रहे हो, बीबीई कर रहे हो, तो इसके लिए काफी सारे कॉलेजेस हैं। आप शहीद सुखदेव से भी कर सकते हो बीएमएस, इसके अलावा आप केशव महाविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय, सीवीएस, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, गार्गी कॉलेज से आप बीबीई कर सकते हो, एचजीटीबी खालसा कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन एसआरसीसी हिंदू इन कॉलेज से आप नहीं कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप डी यू जेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे और आज से ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो डी यू जेट की। अब हम बात करते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स से या फिर ईसीए से अप्लाई कर रहे हो फिर आपका एडमिशन किस तरह से होगा। तो इसके अंदर देखो, पहले क्या हुआ करता था, पहले आपके जो सर्टिफिकेट्स हुआ करते थे स्पोर्ट्स के एंड ईसीए के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के, तो उनके सर्टिफिकेट देखे जाते थे, कुछ वेटेज आपके ट्रायल्स को मिलती थी, वहां पर आपको बुलाया जाता था, फिर ट्रायल करके हुआ होता था आपका। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, ट्रायल्स नहीं हो रहे कोविड की वजह से, सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट बेसिस पर ही आपका एडमिशन हो रहा है। तो 2 अगस्त को जो आपका फॉर्म आएगा वही आपको फिल करना है, उसके अंदर आपको स्पोर्ट्स एंड ईसीए सेलेक्ट कर लेना है, देन उसके बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो उनके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, उस मार्क्स के बेसिस पर पता चलेगा कि आपको किस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल रहा है। और इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखिए, मान लीजिए स्पोर्ट्स का स्टूडेंट है, अगर आप क्रिकेट खेलते हो और अगर क्रिकेट उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर नहीं है जिसके अंदर आप जाना चाहते हो, तो उसमें आपका एडमिशन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ उसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा जो क्रिकेट खिलाता होगा। तो इस तरह से काफी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं। तो आप स्पोर्ट्स एंड ईसीए से भी एडमिशन ले सकते हो, डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा, उनकी मेरिट लिस्ट अलग से आ जाएगी, जिस तरह से आपकी 12th की परसेंटेज बेसिस मेरिट आती है उसी तरह से स्पोर्ट्स एंड ईसीए की अलग से आएगी। अब हम बात करते हैं इसके बाद कि अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो तो आप फिर आपका किस तरह से एडमिशन होगा। सबसे पहले अगेन आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है जो आपका 26th of July को आ रहा है, 2 अगस्त को नहीं, 26th of July को आ रहा है, आपको एडमिशन फॉर्म फिल कर देना है। फिर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएशन की है तो उस वक्त आप मेरिट बेस्ड एडमिशन भी ले सकते हो और आप एंट्रेंस भी दे सकते हो पर्टिकुलर किसी कॉलेज के लिए, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन अगर आपने अपनी अंडर ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं की, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास होता है और वो होता है आपका एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन। अब इसके अंदर भी देखो, अगर मान लीजिए आपने अंडर ग्रेजुएशन की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो 50% सीट्स रिजर्व होती हैं डीयू के स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। समझ रहे हो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, 50% सीट्स पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर रिजर्व होती है अंडर ग्रेजुएशन की, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, और जिन्होंने बाहर से की है उन्हें सिर्फ 50% बची हुई सीट्स ही मिल पाती हैं। सो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसमें भी अगेन फॉर्म फिल करो फर्स्ट स्टेप, सेकंड एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप एंट्रेंस एग्जाम दो, रैंक्स आ जाएंगे और आपके स्कोर्स आ जाएंगे, उसके बेसिस पर फिर डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस की कट ऑफ्स आ जाएंगी, फिर आपको अप्लाई कर देना है, फिर आपको फीस पे कर देनी है, फिर आपका पूरा का पूरा एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एडमिशन प्रोसीजर्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रही होगी, आपको ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि किस तरह से फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक आपको एडमिशन मिलेगा डी यू के अंदर। हो काफ़ी कूल लग रहा है मुझे काफ़ी कूल लग रहा है, मतलब टाइम स्टैम्प मत डाल देना कि भाई इस टाइम पे पसीने आ रहे हैं,
वो आ रहे हैं, मुझे पता है भाई आ रहे हैं। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप डी यू जेट में अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप डी यू जेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, डेल यूनिवर्सिटी के अंदर बी बी ए बी एम एस बी बी ई करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर आप हमें मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर। हम लोग आपको व्हाट्सएप पर डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो पसंद आती है तो आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।